मस्ती का फंडा, दोस्ती का फंदा, सब चलता रहता गंदा ये धंधा। वो तेरी बाली, वो मेरी बाली, कैसा ये लफड़ा कोई ना समझा। दो नए नशीले कर दे सबको हॉट हॉट, आंटी के भी है पड़े निराले शौक शौक, सारे के सारे लगते हैं यहाँ बिग शॉट। अपने दिल की बात करना चाहिए। ये छुपा अभी, रुक फिलहाल, अभी सिर्फ जा अपने दिल की बात कर। जा आपको धूल बहुत पसंद है ना? नहीं नहीं नहीं, आपको फूल बहुत पसंद है ना? हाँ। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मैं तो घर के गार्डन में सो जाता हूँ। आपकी इंटर्नशिप कैसी जा रही है? बस वो मैं छोड़ रही हूँ। अच्छा, कोई और जॉब मिल गई होगी? वो मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। मगर क्यों? बस अब दिल नहीं लग रहा यहाँ पर। तुम्हारे बगैर मैं बोर हो जाऊंगा अरसला। बोर हो जाओगे तो मैं कौन सा यहाँ पे तुम्हें लतीफे सुनाती हूँ। हाँ ये भी है। और वो तुम्हारे दोस्त है ना यहाँ पर शेजी, उसकी शादी में भंगड़ा डालना यहाँ बैठ के। आई लाइक यू अरसला। हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे और एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। अरसला, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये चीज मेरे शेर, मुबारक हो तूने आखिरकार कर दिखाया। यार शायद ही मैंने बिंदास बोल डाला, लेकिन अगर उसने ना कर दिया तो? अबे हाँ करेगी, जरूर हाँ करेगी, अगर नहीं करेगी तो गन पॉइंट पे करवा लेंगे। हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे और एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। ओ हेलो, क्या हो गया है? ऑफिस नहीं जाना क्या? यार मैं रिजाइन कर रही हूँ। क्यों, पागल हो क्या? ऐसे घर में बैठी रहोगी तो सोच सोच के और पागल हो जाओगी। पागल तो मैं होती ही जा रही हूँ, सोच सोच के कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भूल जाओ उसे, और कोशिश करोगी तो उसे भूल जाओगी। तुम्हें ऐसे परेशान थी कि मुझे रोना आ रहा है। प्लीज प्लीज मत रो, बहुत बुरा रोती हो तुम। प्लीज ये हुई ना बात, अब कभी परेशान मत होना और ना ही उदास होना। सारा वो विक्की है ना, वो मुझे पसंद करता है। क्या, ये तुम्हें उस उल्लू ने कहा है? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही। उसका नाम मत लेना, तुम्हें मालूम है ना मेरा और उसका 36 का आंकड़ा है। तुम बिल्कुल ही पागल हो, वो इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम समझती हो उसे। ये तुम्हें कब से विकी अच्छा लगने लग गया है? अच्छा तो वो है, लेकिन पैसा वाला अच्छा नहीं लगता था।
मतलब वो उल्लू ऐसा वैसा अच्छा भी लग सकता है। नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। गुड, ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। एकदम फालतू इंसान है, हर वक्त लड़ता रहता है, पागल कर देगा लड़ लड़के। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और तुम भी जाओ, तैयार हो और ऑफिस जाओ। ओके बॉस। बैग मेरा। सोनिया निकालो इनको बाहर, कब से फोन बज रहा है, कभी होश में भी रह लिया करो। वो बाजी आप नहा रही थी तो मैंने सोचा बजने दूं। हाँ फराज, क्या कब हुई चोरी? रात को चोरी और तुम मुझे अब बता रहे हो? फराज उसमें 20-25 लाख रुपए का सामान था। अच्छा मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बाजी? वे उसमें चोरी हो गई है, सारा स्टॉक चला गया है। या अल्लाह खैर, बाजी कमाल भाई को फोन करें। कमाल क्या करेगा? बाजी आपकी गाड़ी तो उन्हीं के पास है ना। फो कमाल, शुक्र है तुम आ गए। चलो वेयर हाउस चलने, वहाँ चोरी हो गई है। क्या कब? रात में। तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। अब कोमल वो क्या हुआ? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। फो गाड़ी भी लग गई? हाँ थोड़ी सी लगी है, वो मैं डेंटर के पास दे आया हूँ, वो बन जाएगी कल तक। 50,000 रुपए बने, मैं तो वो लेने आया था। कमाल तुम्हारे पास 50,000 रुपए भी नहीं है? मैं अपने 25 लाख रुपए रहूं या तुम्हें 50,000 रुपए दूं? उफ गॉड। कमाल भाई मेरे पास 4,000 रुपए पड़े हैं, वो ले लें आप। नहीं सोनिया, इट्स ओके, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। तुम प्लीज कोमल के साथ रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था। वो घर में कोई नहीं था ना, तो बस मैं ऐसे ही यहाँ आ गया। ओ अच्छा, सब कहाँ चले गए? वो शेजी कहीं बाहर गया हुआ है और सारा जो है वो बुक्स लेने गई हुई है। सोनिया और मैम को तो मैंने देखा ही नहीं आज। सोनिया कहाँ गई? शायद मैम के साथ गई होगी। अच्छा अरसला, वो मैं तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओए, थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगाया और हाँ भी कर दी उस उल्लू को। यार सारा, अगर मैं आज हाँ ना करती तो शायद कभी ना कर पाती। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे बाय द वे आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, मगर विक्की बहुत अच्छा लड़का है सारा, वो तुम एक बार उससे बगैर नाक मुंह छुड़ाए बात करके तो देखो। कि तुम हर वक्त विक्की की हिमायत ही नहीं बनती रहती? शट अप यार। वैसे अंदर से मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। थैंक्स। या अल्लाह थक गई। अरे सोनिया आ गई तुम? मैम कहाँ है? अरे वो बाजी और मैं उनके ऑफिस में गए थे, वहां पे चोरी हुई है। क्या ऑफिस में? अरे वो उनके गोदाम के अंदर चोरी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है उनका। अच्छा मैम कहाँ है? अरे वो बाहर है अभी एक और मुसीबत के साथ। या अल्लाह या अल्लाह, कहीं वो मेरा किराया तो नहीं बढ़ा देंगी? चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। फिक्र मत कीजिए मैम, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। मैम पता चला कि चोरी किसने की है?
नहीं, सीसीटीवी में आ गया है, मेरा अकाउंटेंट था। फिर पकड़ा उसे? अभी तो फरार है, लेकिन पकड़ा जाएगा, कहाँ जाएगा। और कमाल भाई, उनका कोई फोन आया है? उसकी तो परेशानी है, फोन भी बंद जा रहा है उसका। परेशान नहीं हो बाजी, कमाल भाई गुस्से में होंगे, आ जाएंगे। पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने अपने नुकसान की फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल दी। डोंट वरी मैम, वो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लें। क्या करूंगी मैं, बिल्कुल अकेली हूँ मैं, कमाल के अलावा कौन है मेरा। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बाजी, परेशान नहीं हो, हम लोग सब हैं आपके साथ और कमाल भाई भी आ जाएंगे। क्या मूवी थी यार। हाँ यार, हमारे पाकिस्तान में भी ना कमाल मूवीज बनने लग गई हैं। अरे आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अबे अभी कितनी प्यारी लग रही है। चुप कर। I'm sorry, ma'am. लेकिन मैम, कमाल भाई गए कैसे हैं? उनकी बाइक तो बाहर खड़ी हुई है। गाड़ी में। गाड़ी में? ये कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता, कमाल भाई गाड़ी चलाते तो है मैम की। मगर गाड़ी तो बाहर पोर्च में खड़ी है। क्या? क्या? कमाल भाई की गाड़ी यहाँ है तो वो खुद कहाँ है? उनका तो फोन भी बंद आ रहा है यार। चुपचाप गाड़ी छोड़कर चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा, मेरा तो सब कुछ चला गया। मैं 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 संभालिए खुद को। अबे जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर। जल्दी करो यार, मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। अरे गाड़ी का तो बहुत अच्छा काम करवाया कमाल ने। ये बात कहां से आ गई? मौका अच्छा है, कागजात पे अंगूठा लगवा ही लेते हैं। पागल है, मैम की तबीयत खराब है, उनको देख जल्दी। ब्लड प्रेशर शूट कर गया था और हार्ट पे भी बहुत असर हुआ है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर हमें मैम को लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए ना? कहा था हमने डॉक्टर से, मगर उन्होंने कहा कि अभी जरूरत नहीं है। इंजेक्शन दे के सुला दिया है ताकि वो रिलैक्स करें, और बाकी की दवाएं सुबह देनी है। लाओ प्रिस्क्रिप्शन, हम अभी जाकर मेडिसिन ले आते हैं। अभी कैसे जाओगे? मैम की गाड़ी ले जाते हैं ना। नहीं भाई नहीं, इस गाड़ी की वजह से ये हाल हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, कमाल भाई की बाइक पर चलते हैं। नहीं भाई, बाइक पर मुझे बहुत डर लगता है। तू ऐसा कर, अरसला को साथ ले जा। तू बाइक से डरता है? कब से? हमेशा से। हाँ वैसे अरसला जा सकती है विकी के साथ, क्यों विकी? वाह, आज रेगिस्तान में बारिश कैसे होगी? अरसला नाम का एक बादल है, वो बरस पड़ा बस। चले चलो। हाँ जी, अच्छा मैम के पास सोनिया है? हाँ सोनिया है, वही सोएगी मैम के पास। अच्छा मैं भी जाकर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। ओके, आराम करो। गुड नाइट। शेजी, कहाँ चल रहे? कहाँ चल रहे? कहाँ चल रहे? क्या हो गया है? तुम सवारी हो ना? सवारी? तुम पागल तो नहीं हो? सॉरी 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 सॉरी, मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम मुझे सवारी कह रहे हो? वो मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं रक्षा चला रहा हूँ और तुम आकर कहती हो सदर चलोगे भैया। व्हाट? भैया? जी आपने ऐसा ही बोला था। बोंगे हो ना, बोंगे ख्वाब ही देखोगे। ये बताओ कि यहाँ क्यों सो रहे थे? अरे ये है ना नए नए लव बर्ड्स, रात भर फोन पे बात करते हैं, मुझे सोने ही नहीं देते।
कौन, विकी और अर्सला? हाँ ना, सोने ही नहीं दे रहे थे इसीलिए मैं यहाँ आ गया सोने। अच्छा ये बताओ कमाल भाई का कुछ पता चला है? नहीं ना, मैं तो सो रहा था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस अपने शहर चला जाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? दिल उठ गया मेरे शहर से। इस शहर से या फिर इस शहर के लोगों से? कुछ भी समझता हूँ। तुझे क्या लगा था तू अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर बहुत महान बन जाएगा? मैं समझा नहीं। मुझे कमाल भाई ने ना सब बता दिया था। क्या बता दिया था? यही कि तू अपनी मोहब्बत अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर रहा है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ड्रामा किया जाए। ड्रामा? इसका मतलब तुम और वकास एक दूसरे को? ऑफ कोर्स नॉट, मैं कभी भी अपने दोस्त की मोहब्बत का हिस्सेदार नहीं बन सकता। और वो जो शेजी की मंगेतर आई थी? अरे वो तो बस एक गेस्ट अपीयरेंस थी ताकि अर्सला को शेजी से नफरत हो सके। मगर सच कहूं तो नहीं हुई नफरत। अच्छा तो फिर हमारे बेचारे इस देखी का क्या होगा? मेरे लिए तुम हो ना। What? क्यों, क्या बुराई है मुझमें? एक खराबी हो तो बताओ ना, सर से लेकर पांव तक खराबियां ही खराबियां। क्यों, नाक बहती है मेरी, गुटखा खाता हूँ मैं, रात को घर में शराब पीकर क्या शोर मचाता हूँ? ऐसा किया ना तो दोबारा घर में नहीं आने दूंगी। और मुझे ज्यादा बोलने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। तुम कहोगी तो मुंह पर मैं जिप लगा दूंगा। लो भाई, इनकी स्टोरी तो शुरू हो जाएगी। इनके चक्कर में हम अपनी स्टोरी क्यों खराब करें? फूल कहाँ है? ये रहा। Will you marry me? सफेद फूल? हाँ तो ये अमन की निशानी है ना, हम लोग तो सुलह कर रहे हैं। अरे हसीना तुम? मस्ती का फंडा, दोस्ती का फंदा, सब चलता रहता गंदा ये धंधा। वो तेरी वाली, वो मेरी वाली, कैसा ये लफड़ा कोई ना समझा।